नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए मिस डालते हैं खास खबर की। आप सभी को बता दूं कि भारत पाकिस्तान की सरहद पर उत्तर पश्चिमी रेलवे की रेलवे स्टेशनों को पुनः चालू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। भारत पाकिस्तान की सरहद पर उत्तर पश्चिमी रेलवे के रेलवे स्टेशनों को पुनः चालू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, 18 जनवरी सोमवार को उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश के दौरे को लेकर के रेलवे प्रशासन अपनी पूर्ण तैयारियों में जुटा हुआ है। रेलवे प्रशासन ने सीमावर्ती रेलवे स्टेशन गडरा रोड कुछ सजग एवं शहीद स्मारक बना करके उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक के स्वागत के लिए अपने पूर्ण तैयारियाँ भी कर ली है। साथ ही रेलवे स्टेशन सहित साफ सफाई एवं सजग तरीके से बनाया जा रहा है और कई अधिकारी लोग सजग तरीके से इसको बनाने में लगे हुए हैं और महाप्रबंधक की अगुवाई के पहले दिन ही पूर्व तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी मौके स्तर पर पहुंच चुके हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में कोविड-19 को लेकर के बाड़मेर से मुनाबाल चलने वाली पैसेंजर ट्रेन भी बंद हो चुकी है। वहीं पहले भारत पाक के बीच अच्छे रिश्ते नहीं होने के कारण खोखरापार से जोधपुर जाने वाली थार एक्सप्रेस भी बंद हो चुकी थी। इस खबर पर सत्ताई देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार।